हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्च कंसोल में आए एक नए अपडेट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड, 28 मार्च मंडे को गूगल के सर्च कंसोल में एक नया अपडेट आया है। वो आपको मैं बताती हूँ कि वो अपडेट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी रिसेंटली चेंज द नेमिंग पैटर्न ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर डाटा इशू। दिस विल कॉज मैनी इशूज टू बी क्लोज एंड रीओपन विद द न्यू नेमिंग पैटर्न। ये नया एक अपडेट आया है सर्च कंसोल में। तो चलिए हम इसके बारे में और देखते हैं कि सर्च कंसोल में क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 28 मार्च को ये आया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी सर्च कंसोल में कोई एरर शो करता है तो हमें ओल्ड में हमें ये लिखता था, हमें सिर्फ कहाँ पर वो एरर मींस क्या नाम है उस एरर का, सिर्फ वो पता चलता था। हमें ये नहीं पता चलता था कि वो एरर कहाँ पे शो हो रहा है। अब गूगल सर्च कंसोल में जो नया फॉर्मेट है उसमें हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सी जगह पर एरर शो हो रहा है और किस में हो रहा है, उसका नाम क्या है और कौन सी जगह में एरर शो हो रहा है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के या आपका जो भी पेज है जिसको भी आपने सर्च कंसोल से लिंक किया है आप उसे ईजिली रिजॉल्व कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो ये है सर्च कंसोल का नया अपडेट जो 28 मार्च मंडे को गूगल ने डाला है, सर्च कंसोल ने अपडेट किया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको सर्च कंसोल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी रेज कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।